हेलो बच्चों, लास्ट में हमने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था। अब यू कैन सी दैट क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग एचटीएमएल टैग इज अ टेडियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे एचटीएमएल फॉर्म में बनाती हूँ तो वो सारे के सारे बटन्स का कोडिंग मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो वो फॉर्म क्रिएट नहीं होगा, वो बटन क्रिएट नहीं होगा। अ सिंपली मैथड टू यूज ऑन IDE, ओके, उसके बदले सेम टू सेम उसका सिमिलर IDE है। पहले उसका फुल नेम याद रखिए बच्चों, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो क्या है? तो कि वो IDE इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइडेड द कंप्लीट फैसिलिटीज टू प्रोग्रामर टू डेवलप सॉफ्टवेयर। IDE ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर डेवलप करने की पूरी फैसिलिटी देता है। ओके, इट्स प्रोवाइड्स GUI, टेक्स्ट एडिटर। GUI का मतलब पता है आपको, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। दो टाइप के इंटरफेस होते हैं बच्चों, GUI और CLI, कमांड लाइन इंटरफेस और GUI। ये है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसका मतलब हमें कुछ भी वर्क करना हो तो माउस से क्लिक करके हमें कुछ भी कर सकते हैं। टेक्स्ट और कोड एडिटर, अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड डिबगर। ओके, इसमें सारे के सारे ए एलिमेंट्स यूज होंगे। कंपोजर, इक्लिप्स, जेबिल्डर एंड नेटबीन्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ द सम ओपन सोर्स IDE। ये कंपोजर है, इक्लिप्स है और जेबिल्डर, नेटबीन्स, ये जो है वो सारे के सारे IDE के एग्जांपल है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब बच्चों, हम फ्रीली वो इंटरनेट में से हम वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हमें इस सब में से कंपोजर का यूज़ कैसे होगा, हाउ टू क्रिएट यूज़ कंपोजर इन वेब पेज, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ सीखनी है। ओके, अब इंट्रोडक्शन टू कंपोजर। कंपोजर का इंट्रोडक्शन दिया है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजर इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE। ओके, वो एक फ्री सॉफ्टवेयर सोर्स है जो हमें नेट में से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, उसकी यहाँ हमें वेबसाइट भी दी गई है, वो भी आपको याद रखना है। अगर आपको अपने सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स अ वेब पेज एडिटर विच हैज अ सिंपल ग्राफिकल इंटरफेस नाउ एस WYSIWYG। बच्चों याद रखना है इसका मीनिंग क्या है, वो कई बार MCQ में आता है। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, उस पर वो ऐसे वेब एडिटर है। ओके, इट्स अ कंप्लीट वेब ऑथरिंग सिस्टम विच इंटीग्रेटेड वेब पेज डेवलप्ड एंड वेब फाइल मैनेजमेंट। ओके, कंपोजर वो संपूर्ण ऐसे सिस्टम है जो वेब ऑथरिंग पे वर्क करती है और वेब पेज को और फाइल का जो हमें उसमें जो वेब पेज क्रिएट करना हो और फाइल को मैनेज करना हो, ओके, वो सब वो करती है। क्रिएटिंग न्यू वेब पेज यूजिंग कंपोजर इज अ क्विक एंड इजीली। आप इजीली फास्ट है और कंपोजर में वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। द यूजर कैन ऑल्सो एडिट द वेब पेज बाय यूजिंग द सोर्स कोड एंड मेकिंग चेंज। अगर यूजर इजीली उसमें एडिट भी कर सकता है और वेब पेज में, अगर आपका वेब पेज बन गया हो तो उसके सोर्स में उसके कोड में कुछ चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस भी वेब पेज में कर सकता है। कंपोजर इन कॉर्पोरेट अ साइट मैनेजर विच गिव रिपेट एक्सेस टू द फाइल ऑन द बोथ लोकेशन मशीन एंड रिमोट सर्वर। कंपोजर साइट मैनेजर का समावेश इसमें होता है और वो रिमोट और लोकल सर्वर की सारे के सारे फाइल लोग को उपयोग करने की हमें सुविधा देता है। वेब पेज एंड एसोसिएटेड फाइल्स कैन बी अपलोडेड टू अ रिमोट सर्वर फ्रॉम विथ इन
कंपोजर हमें फाइल को अपलोड करने की वो अनुमति भी देता है. इट्स ऑल्सो सपोर्ट द यूज ऑफ स्टाइल थ्रू द CSS. बच्चों याद रखना CSS का फुल नेम कैस्केडिंग स्टाइल सीट. वी विल लर्न अबाउट CSS इन द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर CSS के बारे में ही है, सेकंड चैप्टर. ओके, उसमें डीपली हम वहाँ पढ़ेंगे. बिफोर वी लर्न हाउ टू क्रिएट फॉर्म द यूजिंग कंपोजर, लेट अस द फर्स्ट लर्न द कंपोजर इंटरफेस. ओके, हमें कैसे फॉर्म क्रिएट करना है कंपोजर में. ओके, वो हमें यहाँ दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सिस्टम में पहले कंपोजर होना चाहिए. ओके, हम नेट में से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और एकदम छोटी सी एप्लीकेशन है. ओके, और इंस्टॉल भी इजीली हो जाएगी और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तभी आपके सिस्टम में कंपोजर का आइकन आएगा. ओके, फिर उसको कई टूल और स्टेटस बार को आपको शो और हाइड करने के लिए व्यू मेनू का भी आप यूज कर सकते हैं, जिसमें कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, एडिट मोड टूल बार एंड स्टेटस बार, ये सारे के सारे टूल बार इसमें आते हैं. देखो इसका फिगर यहाँ पे दिया ही गया है. एक कंपोजर विंडो है, अभी मैं आपको कंपोजर में ले जाऊंगी, कैसे वो ओपन होता है, उसका व्यू कैसा दिखाई देगा. ओके, ये फर्स्ट लाइन जो होगी वो मेनू बार, वो टाइटल बार की होगी. उसके बाद जो फाइल एडिट जो लिखा है वो मेनू बार, उसके बाद कंपोजिशन टूल बार आएगा, वो फॉर्मेटिंग 1 है, वो उसके बाद फॉर्मेटिंग ये 2 है. ओके, ये पेज टैब है. उसके बाद ये रूलर है, ये साइट मैनेजर है और ये पेज एरिया और वर्किंग एरिया है. ओके, ये इसका इंटरफेस है कंपोजर का. ओके, उसके बाद द सेंटर ऑफ द विंडो यू कैन सी द टू पेन्स, द साइट मैनेजर एंड ब्लैंक वेब पेज. देखो टू पार्ट, ये साइट मैनेजर है, इसको हम साइट मैनेजर बोलेंगे. ओके, और ये ब्लैंक पेज जो पेज एरिया है, जिसमें हम वर्किंग एरिया बोलते हैं, हमें जो वर्क करना है वो एरिया है, और इसको साइट मैनेजर बोलते हैं. उसको क्लोज करने के लिए F9 प्रेस करते कर सकते हैं, या क्लोज बटन पे आप क्लिक करें तो ये साइट मैनेजर क्लोज हो जाएगा. ओके, हुआ. देखो ये आपको याद रखना है, उसका शॉर्ट नेम F9, या हम क्लोज बटन पे क्लिक करें. ओके, फिर बॉटम राइट साइड विंडोज ने राइट साइड हमें 3 बटन दिए गए हैं, वो है नॉर्मल, HTML टैग एंड प्रीव्यू टैग. ओके, राइट साइड देखो, यहाँ पे ये राइट साइड है, इसको हम एडिट मोड बोलते हैं. ओके, यहाँ पे हमने क्या दिया है, 3 बटन दी गए हैं राइट साइड में. ओके, जिसमें नॉर्मल है, HTML टैग है और प्रीव्यू बटन है. ओके, उसका यूज अभी मैं सिखाती हूँ. और यहाँ भी देख लो, ये राइट साइड ए है, लेफ्ट साइड ये है 3, डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स के 3 बटन दिए गए हैं. ओके, जो प्रीव्यू मोड है वो पेज आप ब्राउजर में कैसे दिखेंगे वो दिखाई देगा. प्रीव्यू मोड में हमें क्या दिखाई देगा, देखो, द प्रीव्यू मोड ऑफर द पेज व्यू एज सीन इन द ब्राउजर. ब्राउजर में हमारा वेब पेज कैसा दिखाई देगा वो हमें प्रीव्यू मोड में दिखाई देगा. ओके, द डिफरेंस इज दैट इन द प्रीव्यू मोड द स्क्रिप्ट डू नॉट रन एंड देयरफॉर देयर एफर्ट्स विल नॉट बी सीन. द लिंक ऑल्सो डज नॉट ऑपरेट इन अ प्रीव्यू मोड. ओके, प्रीव्यू मोड में लिंक ऑपरेट नहीं होगी. उसके बाद है नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू इज वेरी सिमिलर टू प्रीव्यू मोड. ओके, वो प्रीव्यू मोड जैसा ही है. द मोड द टेबल आउटलाइन आर विजिबल. ओके, जो वो टेबल की आउटलाइन होगी वो वहाँ विजिबल होगी. और थर्ड पार्ट जो है वो HTML टैग है. ओके, HTML टैग व्यू हेल्प्स दोज हु आर फेमिलियर विथ द HTML. ओके, जो HTML के बारे में जानता हो
उससे वो फेमिलियर होगी। ओके, उसमें येलो मार्कर इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्टेक फॉर द ऑल एलिमेंट्स। जो भी आप एलिमेंट्स वहाँ लेंगे वो येलो मार्क से वहाँ इंडिकेट आपको करेगा। द क्लिकिंग ऑन अ मार्कर सिलेक्ट एंड हाइलाइट्स वॉल ऑफ द एलिमेंट्स। वहाँ जो भी आप लेंगे वो वहाँ हाईलाइट होगी। ओके, उस अब हम लेफ्ट साइड आते हैं। लेफ्ट साइड पेन में हमें तीन डिज़ाइन, स्प्लिट एंड सोर्स दिखाई देगा। ओके, तो डिज़ाइन क्या है? जब भी मैं कंपोजर ओपन करती हूँ तो जो फर्स्ट हमें दिखाई देगा वो डिज़ाइन मोड होगा। देखो, द डिज़ाइन टैब इज यूज्ड टू डिज़ाइन द वेब पेज। द स्प्लिट टेबल डिस्प्ले द HTML सोर्स ऑफ द करंट एलिमेंट। ओके, फिर दूसरा है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है? तो हमें वो HTML सोर्स भी दिखाई देगा और वो जो हमने डिज़ाइन बनाई है वो भी हमने दिखाई देंगी। ओके, अभी मैं आपको कंपोजर में वो सब दिखाती हूँ। फिर सोर्स टैब, सोर्स टैब सो ऑल डिटेल्स ऑफ द HTML कोड और इट्स हेल्प ऑन एडिटर द सोर्स कोड। इसका मतलब हमने जो भी बटन्स लिए हैं, जो भी फॉर्म में लिया है वो हम HTML में टाइपिंग करेंगे, लेकिन कंपोजर में उसका कोडिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो हमें यहाँ सोर्स में दिखाई देगा। देखो बच्चों, अब हम कंपोजर आपको ओपन करने सिखाएंगे। यहाँ से अगर आपने ये कंपोजर का आइकन है, ओके, ऐसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में वो आ जाएगा। ओके, ऐसा व्यू ओपन होगा। ओके, इसका आइकन कंपोजर का ऐसा होगा। ओके, फिर जो ये लाइन है वो हमारी टाइटल बार है, ये मेनू बार है। ओके, उसके बाद कंपोजिशन टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग 1 और ये फॉर्मेटिंग 2 है। ये हमारे साइट मैनेजर है। और ये क्या है? तो कि ये रूलर है ये। ओके, अब ये है वो पेज टैब है। ओके, यहाँ से हम पेज टैब, यहाँ मैंने 1 पेज, 2 पेज जो भी लिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, ये पेज एरिया है, हम जो वर्किंग एरिया बोलते हैं ना वो। ओके, अब राइट साइड देखो, यहाँ पे नॉर्मल मोड है। हमने तीन जो प्रीव्यू नॉर्मल HTML टैग के बारे में डिस्कशन किया था ना, देखो प्रीव्यू है ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, फिर नॉर्मल हम जो वर्क करते हैं वो, और वो HTML टैग। ओके, मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं, अगर मैं कुछ लेती हूँ तो यहाँ आपको डिस्प्ले होगा, कोई भी बटन्स वगैरह कुछ भी। ओके, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये डिज़ाइन व्यू है। ओके, यहाँ पे स्प्लिट है और ये सोर्स है। ओके, यहाँ पे सब कोडिंग दिखाई देगा। ये है HTML का, ओके, कंपोजर का